स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 27 मई तक दुमका व्यवहार न्यायालय पूरी तरह बंद है। वकीलों के कोर्ट नहीं आने से वकालती पेशे से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, लिहाजा दुमका विधिक संघ के सदस्यों ने अधिवक्ता कल्याण कोष की राशि से वकीलों को आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। अपनी मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने गोलबंद होकर संघ कार्यालय के समक्ष नारेबाजी भी की। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हौसला हो, हौसला हो, हौसला हो, हौसला हो। बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हौसला हो, हौसला हो, हौसला हो। जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हौसला हो। अधिवक्ताओं का कहना है कि कोर्ट बंद होने से उनकी आय बंद हो गई है, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ी है। कई लोगों को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। इनके कारण जो कोर्ट जो 27 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है, इसमें हम अधिवक्ताओं और अधिवक्ता लिपिक के समक्ष आर्थिक रूप से काफ़ी जो है आर्थिक रूप से काफ़ी खराब स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारे अधिवक्ता साथी ऐसे हैं जिनको जो है अभी दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही, इसीलिए हम लोग जो है जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव और अन्य पदाधिकारीगण से मांग करते हैं कि उन लोगों को जो है हमारे एसोसिएशन के द्वारा जो हम लोग का जमा राशि है उन लोगों के बीच वितरित कर दिया जाए। कोरोना काल की इस वैश्विक आपदा से ऐसा नहीं है कि सिर्फ अधिवक्ता जूझ रहे हैं। रोजी रोटी के संकट ने कईयों को परेशान कर रखा है, जिसके वास्ते जिम्मेदारों को बीच का रास्ता निकालना ही चाहिए, ताकि जान भी बची रहे और जहान भी चलता रहे। दुमका से आर के नीरज की रिपोर्ट।